अपना अपने YouTube चैनल बेस्ट ऑफ लक में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों IBPS की तरफ से क्लार्क रिक्रूटमेंट फाइनली आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, एग्जाम डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेबस के, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्किप ना करें, एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ लाइक करके भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले, लाइक करना ना बोले। तो चलो दोस्तों वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैं आ चुका है दोस्तों। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है दोस्तों IBPS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, आप लोग को पता होगा दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस पे आप लोग को देने को मिलेगा 7035 पोस्ट देने को मिलेगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। पोस्ट नेम आप लोग को देने को मिलेगा क्लार्क CRB13 देने को मिलेगा। वेबसाइट आप लोग को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको पता है दोस्तों IBPS का वेबसाइट जाके आप लोग अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसका ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों 21 जुलाई 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन में एकदम से अप्लाई करना होगा दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है दोस्तों। देख सकते हो अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आप लोग को बाद में ये नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो जरूर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 1 जुलाई 2023 से लेकर 21 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। जब ऑनलाइन अप्लाई लिंक एक्टिव होगा स्टार्ट होगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट फॉर्म मैं इस चैनल में मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आप लोग को जरूर सब्सक्राइब करना ना बोले, लाइक करना ना बोले, क्योंकि अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए आप लोग को वीडियो देखना जरूरी है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई स्टेट 1 जुलाई 2023 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 21 जुलाई। इसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस 21 जुलाई है और एप्लीकेशन फीस भी 21 जुलाई है। इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों 21 अगस्त 27 अगस्त, उसका बाद इसमें सेकंड का आप लोग को 2 सितंबर में आप लोग को थर्ड शिफ्ट में आप लोग को ये प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है दोस्तों। इसका एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है दोस्तों, देख सकते हो इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम एडमिट कार्ड में आप लोग को दोस्तों देख सकते हो अगस्त में आप लोग को होने वाला है दोस्तों। अवकाश मतलब आप लोग को सेकेंड वीक बा फर्स्ट वीक से आप लोग को एडमिट कार्ड प्रिलिमिनरी एग्जाम का एडमिट कार्ड होगा दोस्तों। इसका मेन एग्जाम होने वाला दोस्तों ऑफिशियल नोट दिया गया है दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 में ये मेन एग्जाम होने वाला है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें देख सकते हो बैचलर डिग्री मैंने इन एनी स्ट्रीम, इसमें बताया गया दोस्तों एनी स्ट्रीम का मतलब है दोस्तों किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स साइंस कॉमर्स करने पास करने से भी सिर्फ सिंपल डिग्री पास होने से भी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई परसेंटेज लेना देना नहीं चाहिए। और इसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें IBPS क्लास 12 का लेवल का भी आप लोगों को देने को मिलेगा। बात आती है दोस्तों एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए आपको 850 रुपीज, OBC EW के लिए 850, अगर SC ST के लिए PH के लिए आप लोग को 175 आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से पे करना होगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर से लेके 28 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, और गवर्नमेंट के एज हिसाब से उसका साथ साथ आप लोग को एज रिडक्शन मिलेगा। SC ST के लिए आप लोग को 5 ईयर्स एज रिडक्शन मिलेगा, OBC के लिए आप लोग को 3 ईयर्स एज रिडक्शन मिलेगा। लेकिन 7500 पोस्ट से आप लोग को फिर से आप लोग को स्टेट वाइज से उन लोग फिर से डिवाइड कर दिया गया, स्टेट के साथ साथ आप लोग को कैटेगरी वाइज से फिर से उन लोग डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों। तो चलो दोस्तों सिर्फ मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, सिर्फ आप कैटेगरी वाइज आप लोग को आपको भी आपको हिसाब से कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड कर लेना, देख लेना कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो वो आपको देख लेना। सिर्फ मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों इंडिया में जितना स्टेट है स्टेट में आप लोग को कितना पोस्ट देने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को दोस्तों देख सकते हो दोस्तों अंडमान एंड निकोबार में आप लोग को टोटल 4 पोस्ट देने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में आप लोग को 209 पोस्ट देने को मिलेगा। अगर आंध्र प्रदेश में अगर आपका कैटेगरी है दोस्तों देख सकते हैं अंडमान आंध्र प्रदेश का कैटेगरी में दोस्तों देख सकते हैं SC के लिए 11 पोस्ट, इसमें आप लोग को SC SOBC EWS जनरल इस पर देखने को मिलेगा। तो ये सब आप लोग को कैटेगरी वाइज है, तो मैं आप लोग को बताने से भी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप लोग को स्टेट और आपका वैकेंसी कितना है वो आपको देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अरुणाचल प्रदेश में आप लोग को 14 पोस्ट देने को मिलेगा, असम में आप लोग को 157 पोस्ट देने को मिलेगा, बिहार में आप लोग को 281 पोस्ट देने को मिलेगा, चंडीगढ़ में 12 पोस्ट देने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ में 104 पोस्ट देने को मिलेगा, दारानगर विलादी दिमान दीहू में आप लोग को 1 पोस्ट देने को मिलेगा,
नेक्स्ट बात करेगा तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर में 295 पोस्ट देने को मिलेगा, गोवा में आप लोग को 71 पोस्ट देने को मिलेगा, गुजरात में आप लोग को 304 पोस्ट देने को मिलेगा, हरियाणा में 138 पोस्ट देने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में 91 पोस्ट देने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग को 35 पोस्ट देने को मिलेगा, झारखंड में आप लोग को 69 पोस्ट देने को मिलेगा, कर्नाटका में 358 पोस्ट देने को मिलेगा। और नेक्स्ट बात करेगा तो दोस्तों देख सकते हो केरला में आप लोग को 70 पोस्ट देने को मिलेगा, लद्दाख में आप लोग को 0 पोस्ट देने को मिलेगा, लक्षद्वीप में आप लोग को 5 पोस्ट देने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में आप लोग को 309 पोस्ट देने को मिलेगा, महाराष्ट्र में आप लोग को 775 पोस्ट देने को मिलेगा क्योंकि महाराष्ट्र थोड़ा बड़ा रहता है, मणिपुर में आप लोग को 4 पोस्ट देने को मिलेगा, मेघालय में 6 पोस्ट देने को मिलेगा, मिजोरम में 4 पोस्ट देने को मिलेगा, नागालैंड में आप लोग को 4 पोस्ट देने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेगा तो ओडिशा में आप लोग को 226 पोस्ट देने को मिलेगा, पुडुचेरी में आप लोग को 2 पोस्ट देने को मिलेगा, पंजाब में आप लोग को 407 पोस्ट देने को मिलेगा, राजस्थान में 129 पोस्ट देने को मिलेगा, सिक्किम में आप लोग को 11 पोस्ट देने को मिलेगा, तमिलनाडु में 288 पोस्ट देने को मिलेगा, तेलंगाना में 91 पोस्ट देने को मिलेगा, त्रिपुरा में 17 पोस्ट देने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश में आप लोग को 1089 पोस्ट देने को मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे बड़ा है ना, बड़ा स्टेट है तो इसलिए पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, मुंबई में ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर से अकॉर्डिंग टू आपको डॉक्यूमेंट हम लोग सोशल मीडिया में देखे उत्तर प्रदेश बहुत बहुत बड़ा है तो इसलिए लगता है, मैंने सोचा 1889 पोस्ट इसलिए ज़्यादा पोस्ट दिया गया है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में मैंने सोचा। उसका बाद उत्तराखंड में आप लोग को 19 पोस्ट देने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में आप लोग को 528 पोस्ट देने को मिलेगा। तो दोस्तों आप कौन सा स्टेट में आप बिलोंग करते हो दोस्तों, आपको भी आपको तो आप लोग को देखा होगा दोस्तों, आपको मैटर करता है तो आपको याद रख लेना कौन सा स्टेट में आपका कौन सा स्टेट में बिलोंग करते हो, आपका स्टेट में कितना पोस्ट है आप लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों। उसका बाद दोस्तों इसमें सिलेबस की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जाम सिलेबस के लिए जनरल इंग्लिश के लिए आप लोग को 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क मिलेगा इसमें। उसका बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आएगा, 35 मार्क मिलेगा, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन आएगा, 35 मार्क मिलेगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क का ही मिलने वाला है, टोटल 1 आवर आप लोग को टाइम मिलने वाला है, 1 घंटा मतलब 1 क्वेश्चन में 1 मार्क ही आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों, इसमें बताया गया है दोस्तों। उसके बाद मेन एग्जाम के लिए दोस्तों प्रीलिमिनरी जो लोग प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करेगा उन लोग के लिए फिर से मेन एग्जाम देना होगा, मेन एग्जाम के लिए जनरल फाइनेंशियल एवरेजमेंट में 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क मिलेगा, जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएगा, 40 मार्क मिलेगा, और रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आएगा, 60 मार्क मिलेगा मैक्सिमम मार्क है, और इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क मिलेगा, टोटल आप लोग को दोस्तों 190 क्वेश्चन आएगा, मतलब 200 मार्क आप लोग को दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा आप लोग को 160 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा, इसमें सब सब बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेगा तो सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आप लोग को प्रीलिमिनरी एग्जाम आईबीपीएस अंदर प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा दोस्तों, उसका बाद नेक्स्ट फेज आईबीपीएस अंदर मेन एग्जाम होगा दोस्तों, उसका बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। उसका बाद दोस्तों इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया दोस्तों, अभी तक फुल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है दोस्तों, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। जब ऑनलाइन अप्लाई 5 जुलाई 2023 से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा तो ऑनलाइन अप्लाई भी लिंक एक्टिव होगा दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट फॉर्म तक इस चैनल में मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आप लोग को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो सब नोटिफिकेशन भी आप लोग को जरूर डाउनलोड कर लेना। तो चलो दोस्तों देख सकते हो मैंने डाउनलोड कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करके सर मैं आप लोग को सब नोटिफिकेशन आया है तो मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करके सर मैं आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों देख सकते हो और डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लाइव प्रूफ करके सर मैं आप लोग को बताया था दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग को दोस्तों देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऑनलाइन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से लेकर 21 जुलाई यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनर यहाँ पर भी आप लोग को कॉल लेटर तो सारी इन्फॉर्मेशन देने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें कब तक कब है अलॉटमेंट मैंने एग्जाम कॉल लेटर काफी डाउनलोड करना है तो इसमें सारी दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ लाइक और को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा, चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।